All right. So, yo, what's up, video? Welcome back to our channel. और हम यहाँ पर आ गए हैं. हम आए क्यों हैं? क्योंकि हमारे को आज अपना इंटीरियर डिजाइनिंग कराना है घर का. और मम्मी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. मम्मी क्यों एक्साइटेड हो? सब एक्साइटेड है क्योंकि हम एक सेकेंड सब में क्यों? मैं तो नहीं हूँ. मैं तो जबरदस्ती उठा के लाया. मेरा तो मन नहीं आने का. न्यू हाउस में रेडीमेड हाउस में ले जाओ. ये बीच में जो मेहनत वाला काम है वो मत कराया करो. वैसे तो हमारा घर जो है वो रेडी टू मूव है, लेकिन हम अपने घर में अपने हिसाब से कुछ रेनोवेट करवाने वाले हैं. भाई तो देखो, एक होता नॉर्मल घर, ठीक है. इन्होंने, मैंने बोला नॉर्मल घर बनाओ, चलो निकलते हैं, चार मंजिल लगाओ और मंजी डालो, पंखे पुंखे डालो तो सो जाएंगे आराम से. ये नहीं भाई, हम तो घर के अंदर थिएटर बना लो भाई, फिर क्या कह सकते हैं भाई. बिल्कुल 7-star होटल वाली लुक देनी है हमने अपने घर को. तुम्हें भी पता चले ना कि घर बना है बढ़िया एकदम. इनको ना हमेशा से ऐसे था कि जब घर बनाऊ ना मैं अपना ड्रीम हाउस, तो उसके अंदर सारी चीजें हो. तो वो ड्रीम हाउस बनाने के लिए मम्मी बहुत एक्साइटेड है. ऐसे मम्मी थोड़ा वो करेंगी, मैं 7-star बनाना, 5-star बनाना, घर ही है, घर की तरह फीलिंग आनी चाहिए. पर बस ये है कि मम्मी का एक बार था कि मेरे को मजेदार बनाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी, अब आपको मजेदार घर बना के देंगे. 1-1 lakh rupees का पैकेज लेके ये वहाँ रह के आता है बड़े बड़े होटलों में. 10 lakh rupees लोगों को गिव अवे में कर देता है गिफ्ट में. तो अपना घर तो बढ़िया बनाओ, ताकि अब घर बनाने का मेन मोटिव मैं बताता हूँ क्या है. कि जैसे मैं यूट्यूबर इवेंट्स करता हूँ ना, तो फिर सारे लोग आते हैं, होटलों में रहते हैं, नहीं अब वो घर रहेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे. अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैं तुम्हें बताऊँ, हम आए पापा के साथ. और पापा पहले ओ भाई, बंदा गायब हो गया कसम से यार. मैं पापा के साथ वैसे सही बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है. देखना, हमने 2 मिनट रिकॉर्डिंग के लिए हम यहाँ कर रहे थे, खड़े होते, अब गायब हो गया. हमें पता भी नहीं जाना है कहाँ जाना भाई. आगे चलना है ये तो मुझे पता है, ये मत क्या कि पता नहीं है मुझे. मैं इन पे भरोसा नहीं करता, मुझे नहीं लगता इनको पता है. ये बस ऐसे मीठी मीठी स्माइल करेंगी. मुझे पता है, मेरे को भूल जाते हैं ना. मैं बता रहा हूँ, इनको नहीं पता. कहाँ हो तुम प्यार में मेरे, कहाँ हो तुम भाई. वैसे कितना सुंदर है ना. 1 eternity later आधे घंटे से ढूंढ रहे थे आपको, कहाँ पर खो जाते हो आप. मैं आगे गर्मी, बाहर गर्मी है, मैंने कहा जाके मैं इसमें बैठता हूँ. अरे यहीं बैठा ले मम्मी को. मम्मी को पता ही नहीं, मम्मी कह रही मेरे को पता ही नहीं कहाँ पर है, भूल जाते हैं. क्यों सही जगह पे लेके आई हूँ मैं, बहुत मुश्किलों से ढूंढने के बाद. तो अभी ये नक्शा हमारा जो बनाया है इन्होंने, वो डिस्कस हो रहा है. अभी देखते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है हमारे घर में. देखो अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर हम पापा के हिसाब से घर बनाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा राजा महाराजा वाला 7-star होटल ओल्ड स्कूल घर बनाने वाले हैं. तो पापा ने जो पहला डिजाइन देखा था, आपने देखा था? हाँ, तो पापा ने ना मतलब और कुछ देखा ही नहीं. मम्मी को ना वो डिजाइन चाहिए जो कहीं और ना हो, ऐसी चीजें चाहिए हमें. मम्मी ने ऐसे होम टूर डालना अपना, माय $1 million होम टूर. तो हमें वैसा 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 स्टाइल में कुछ है. $1 million से अबव वाला बनाना है हमने, पर बजट वेरी लो. ओनली सरोजनी का माल लगाएंगे. मम्मी एक बात बताओ, ये डिसाइड कब हुआ है? तुम पार्सल हो रहे हो. ये अभी मैं यहाँ पर आया तो मेरे को पता चला है कि सेकंड फ्लोर मेरा डिसाइड हो रखा है, फर्स्ट नीचे हो रखा है. इन्होंने अपना ग्राउंड बना रखा है. नीचे को हमने एक रूम कम देना है, बल्कि तेरे को एक रूम एक्स्ट्रा देना चाहिए. बिना पूछे क्या हुआ? मेरी प्रायोरिटी तो तूने मेरे साथ ही रहना है. छोटे बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. मेरे साथ ही तो अब कट्टी हो गए तुम्हारे. प्रोग्राम चेंज, गिव मी ग्राउंड फ्लोर, गिव देम सेकंड फ्लोर. ऐसे नहीं चलेगा भाई, सिस्टम ही खराब है तुम्हारा तो यार. चलो मैं कह रहा हूँ, आपने मेरे को सेकंड फ्लोर दिया, पर सलाह तो कर लेते हैं. सलाह भी नहीं करी, डिसीजन ले लिया यार. ग्राउंड फ्लोर पे हम क्या रखने वाले हैं, बताने वाले हैं. अभी मैडम थोड़ी कंफ्यूज हो गई. देखो उन्होंने नॉर्मली बोली थी ये चीज, और मेरे को लगा कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, करनी चाहिए. मैंने लोगन पॉल के घर में देखी थी, तो मैंने बोला यार क्यों नहीं. अभिषेक और पापा की दोनों की राय मिल नहीं रही है. वो कह रहा है ये बना अभी, तो मैं पापा को बोल दूंगा सेकंड फ्लोर से एक झूला निकाल दो. कह रहा हूँ मैडम एक ना झूला निकालो सेकंड फ्लोर से, जो सीधा पापा की गोदी में जाके गिरे. तो चलो भैया तो मजा आएगा. क्या बोलते हो, बता दो पापा के प्लान में. मेरे को पारा जो है यहाँ से वहाँ पहुंच जाए ना, तू इनमें इतनी ज्यादा वो करवा रहा है चेंजेस. मैं कह रहा हूँ पूरा नक्शा बदल दिया. जो बना था सब बदल दिया है. तभी मैं कह रहा था मतलब मेरे को मतलब पापा आप पे मम्मी गलत इल्जाम लगा रही है. पापा सारी चीजों में एग्री कर रहे हैं. पापा क्यूट बॉय बने हुए आज. मैंने जो जो बोला माने, हर चीज माने.
मम्मी वेरी बैड नहीं कैसे कह रही है तुम्हारे लिए बनना है और जहाँ पे कोई चेंजेस आते हैं अब बात बॉक्स वाले बेड पे आके अटक गई है मुझे चाहिए बॉक्स वाले बेड और ये कह रहा है बॉक्स वाले बेड तो बनेंगे ही घर पे स्पेस कितनी चाहिए क्या चाहिए मेरे को पता है ना घर निकलते हैं नहीं लगाई तो हमने बहुत जगह लगाई उसके लिए शुरू से बोलना पड़ता है बहुत कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है रखो लगेंगे मेरे रूम में तो पक्का लगेगा वो और एक साइफन 12,000-12,500 रुपए लगा वो इसका वो अब सिर्फ एक सिंगल था ढक्कन ही है ना ढक्कन ऊपर वाला अब वो लाखों में टूटेगी और फिर पैर तेरे को कब्जी भी हो जाएगी जब रेप उसे सुना करेगा ना कि हाँ भाई का इसका ये स्पेयर पार्ट है तो गाइस फाइनली सुबह से आए हुए हम पता नहीं 2 बजे आए थे अब 8:30 हो गए 6 घंटे से हम यहीं पर हैं और हमने डिसाइड कर लिया है बट अभी भी बहुत टाइम लगना है एक साल तो कह रहे हैं घर बनने में लगना है तो भाई साहब एक साल आर यू रेडी एक साल वेट करने के लिए एक साल वेट करनी पड़ेगी अरे साल हो गए तो फिर तो 1.5 साल में मिलेगा भाई में हम बोलते हैं कि 4 महीने में घर बनने वाला है अब पता नहीं कितने महीने में बनेगा चलो गाइस बैक टू पवेलियन देखो हम ना पहले सोच ऐसा होता है कि तुम डिसाइड कर लो तो कि ये बनने वाला है जब बन जाएगा ना तब देखेंगे सोच तो हम रहे हैं बनाएंगे बहुत मस्त अब बनेगा कैसा वो देखते हैं अभी हम खा के आए हैं और इसको फिर से खाने हैं कॉर्न्स ये देखो फिर कहते हैं मैं तो डाइटिंग पे हूँ मैं जिम करता हूँ तो पहुँच गए पर ये आपने नई गाड़ी खरीद ली ये तो मुझे भी अब पता चला वो दो हमारे पास दो दो गाड़ियां हैं और हमें पता ही नहीं भाई साहब हमारे घर के आगे कोई कब्जा करके बैठा है 2-3 गाड़ियां लगा रखी है मेरे को तो लग रहा है सो भी अंदर रहा होगा भाई साहब किसकी गाड़ी है अड़ोसी पड़ोसी को बोलो गाड़ी हटाएंगे मालिक आए हैं बेटे मालिक आए आई एम हेयर डैडी इज होम वाओ क्या घर खरीदा मैंने अपनी मेहनत से मैंने और निश्चय ने और पापा ने और मम्मी ने तो गाइस हॉन्टेड लग रहा है मुझे ये घर भाई बेटे अगली बार मैं आऊं तो हट जाइयो आ जाऊंगा आज मैं कमेंट पढ़ रहा था एक लड़की ने कमेंट कर रखा था व्लॉग में जान तो तभी आती है जब फुकरा इंसान आता है अरे वेट छे मौज कर दी वेट छे आई नहीं आई लाइक इट द नेक्स्ट डे नु तो गया नहीं था इसको पूछो 4 लाख की सीट लगवानी है कह रहा 4 लाख की कौन सी गेमिंग सीट टॉयलेट सीट क्या टॉयलेट सीट पागल हो गए चार लाख की टॉयलेट सीट रिमोट कंट्रोल टॉयलेट सीट 4 लाख रुपए की रिमोट कंट्रोल टॉयलेट सीट अबे हम पोर्टी जाना छोड़ देंगे इतना तो मैं श्योर हूँ अम्बानी भी नहीं बैठता एक तो लाइट के आगे ऐसे खड़ा हुआ लग रहा है कि भगवान जी वहाँ से बोल रहे हैं सेंट्रली हीटेड जब तू बैठने जाएगा ना ठंड में तो तू टेम्परेचर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है अबे पोर्टी करनी है टेम्परेचर कंट्रोल करके उसके बाद सब्जी बना के खानी है हाय हाय 4 लाख की सीट में तो भाई सब्जी भी बनाएगा जी हाय हाय पापा कर ही देते हैं फिर अपनी वाली बातें कभी कभार इंसानों के बाप